आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जबरदस्त, बहुत बहुत टेस्टी, एकदम नए तरीके की ऐसी सेवई की डेजर्ट, जिसे बनाने के लिए ना तो आपको मावा चाहिए, ना कंडेंस मिल्क और ना ढेर सारा दूध। साथ ही चाशनी बनाने का भी कोई झंझट नहीं, सिर्फ एक कप दूध से ये मिठाई तैयार होगी। बनाने में इजी और खाने में अमेजिंग, ऐसा डेजर्ट जो खाए बस स्वाद में ही खो जाए। और सबसे बड़ी बात, इसे पहले से बनाकर आप कई दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इफ्तार पार्टी के लिए भी मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इस अमेजिंग नए तरीके की डेजर्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है 150 ग्राम बारीक वाली सेवई, जिससे हम दूध की सेवई बनाते हैं ना, ये मैंने वही ली है। मार्केट में इस तरह की सेवई का पैकेट आपको इजीली मिल जाएगा। आज की जो मिठाई है हम एकदम सिंपल सेवइयों से ही बनाएंगे। ये मैंने रोस्टेड वाली सेवई ली है, आप इसकी जगह पर वाइट वाली जो पतली सेवई होती है उन्हें भी ले सकते हैं। अब सेवइयों को हाथ से हल्का सा क्रश कर लेंगे, जिससे ये थोड़ी सी बारीक हो जाएं। इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान है। आपको इसे बनाने के लिए मावा, चाशनी, कंडेंस मिल्क कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल सी घर की चीज़ों से ही आप इसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस तरह से सेवई को क्रश करके बारीक कर लिया है। अब मेजरमेंट के लिए आप कोई भी घर की कटोरी या कप ले लें, उसी से सारा माप करें। मैंने ये बाउल लिया है तो इस बाउल से मैं ले रही हूँ 2 कप सेवई। अब गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई या पैन और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। पैन में डालेंगे 2 चम्मच शुद्ध घी। आप घी की जगह बटर भी ले सकते हैं। बस आपको इसके लिए तेल नहीं लेना है, क्योंकि मिठाई में तेल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अब घी में डाल देंगे क्रश की हुई सेवई को, अच्छे से करेंगे मिक्स। और अब सेवई को हमें घी में भूनना है। मीडियम लो फ्लेम पर हमें इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनना है, जिससे घी की कोटिंग अच्छे से सेवइयों पर हो जाए और सेवइयों का कच्चापन निकल जाए। सेवई बहुत ही जल्दी जलने लगती है, इसलिए इसे लगातार आप चलाते रहें और आंच को आप धीमा ही रखें। हमारी सेवई रोस्टेड है तो इन्हें भूनने में लगभग 7-8 मिनट लग जाएंगे। अगर आप व्हाइट वाली सेवई लेते हैं तो इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि हमें इन्हें लो फ्लेम पर भूनना है। जब लो फ्लेम पर देर तक इन्हें भूनेंगे तभी मिठाई का अच्छा कलर और टेस्ट आएगा। त्यौहार पर हम लोग खीर बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये मिठाई इतनी अच्छी होती है कि जो खाएगा आपकी तारीफ किए बिना नहीं रुकेगा। स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये बनाने में भी बहुत आसान है। हम यही चाहते हैं कि मिठाई घर के इंग्रेडिएंट्स से बन जाए और खाने में भी टेस्टी हो, तो आप इसे ज़रूर बनाइए, बहुत ही पसंद आएगी सभी को। अब आप देख सकते हैं कि सेवई अच्छे से भुन गई हैं। अब इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में और अब वापस पैन को गैस पर चढ़ाएंगे। अब जिस बाउल से या कप से आपने सेवई ली थी उसी से पैन में डाल दीजिए 1 बाउल भर के दूध। दूध आप उबला हुआ या कच्चा कोई भी ले सकते हैं, फुल क्रीम दूध हो या टोंड हो, किसी भी तरह का ले सकते हैं। इस मिठाई के लिए ज़्यादा दूध की आवश्यकता नहीं होती। अब इसी बाउल से 1/4 कप में डाल रही हूँ चीनी। चीनी की मात्रा को आप थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब चीनी को दूध में कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए और चीनी दूध में पूरी तरह से घुल ना जाए। इस मिठाई में कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो आपके घर में अवेलेबल ना हो। दूध में एक उबाल आ गया है तो इस स्टेज पर डाल देंगे इसमें भुनी हुई सेवई को। अब लो फ्लेम पर सेवइयों को हमें दूध में पकाना है। एकदम लो फ्लेम पर सेवई जब दूध में पकेगी तभी वो सॉफ्ट होगी। अगर तेज आंच रखेंगे तो दूध सूख जाएगा और सेवइयां हमारी पूरी तरह से नहीं पकेंगी, कच्ची रह जाएंगी। अब इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ इलायची पाउडर। अब इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा दूध हमारे पास नहीं होता, तो इस तरह से कम दूध में भी आप इस सेवई को बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि पूरा दूध खत्म हो गया है और सेवई भी अच्छी सॉफ्ट हो गई है, तो इस स्टेज पर जाएगी इसमें वो चीज़ जिससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा, ये है दूध की मलाई। मैंने 2-3 टेबल स्पून घर की फ्रेश मलाई ली है। इसे डालने से स्वाद भी बढ़ जाएगा और जब भी आप इसे खाएंगे ये अंदर से सॉफ्ट बनी रहेंगी।
इसे आप जरूर डालिए। इसके लिए बहुत पुरानी मलाई आपको नहीं लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। इसे डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास ना हो तो इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैं इसे डाल रही हूँ। आप मिल्क पाउडर की जगह मावा भी डाल सकते हैं, कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स करते हुए थोड़ी देर सेवई को सुखा लेंगे। अब सेवई हमारी अच्छे से पक गई है और इसका सारा दूध भी सूख गया है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा रेड फूड कलर। इसे डालने से मिठाई में बहुत ही अच्छा कलर आएगा, जिससे हमारी मिठाई देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। अब अच्छे से कर देंगे इसे मिक्स। अब सेवई अच्छे से पक गई हैं और देखिए इस तरह से करने पर ये पैन को छोड़ने सी लगी हैं। इसी स्टेज तक हमें इन्हें पकाना है, यानी कि जब इनकी हल्की सी जमने वाली कंसिस्टेंसी हो जाए तभी तक हम इन्हें पकाएंगे। तो अब गैस को कर देंगे ऑफ और इन्हें मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, जिससे ये जल्दी ठंडी हो जाए। देखिए इस तरह की सेवई हमें रखनी है, ना बहुत ज़्यादा सूखी ना ज़्यादा गीली, इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। जब ये ठंडी हो जाए तो आप लीजिए कोई छोटी कटोरी, या आपके पास कुकी कटर हो तो वो भी ले सकते हैं। मैंने ये कटोरी ली है। अब सबसे पहले इस पर लगाएंगे घी, यानी कि घी से इसे ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें सेवई को भरकर दबाते हुए इसकी शेप बना लेंगे इस तरह से। आप इसे गोल चौकोर, हार्ट शेप, किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो सेवइयों को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने पर ये देखने में भी अच्छी लगती हैं और सर्व करने में भी आसानी रहती है। चाहे आप इसे चम्मच से खाएं, चाहे खाएं हाथ से उठाकर मिठाई की तरह। इसी तरह से हम सारी मिठाई को तैयार कर लेंगे। और अब इनके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा चांदी का वर्क। बस इस तरह से हल्का हल्का लगा देंगे तो बाजार वाला लुक आ जाएगा। अगर आपके पास हो तो लगाइए, वरना ड्राई फ्रूट से भी इसकी गार्निश कर सकते हैं। थोड़े से मैं इस पर लगा रही हूँ बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता, जिससे ये देखने में अच्छी लगे। आप किसी भी तरह इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अमेजिंग, सुपर टेस्टी नए तरीके की डेजर्ट है, बिल्कुल तैयार। लग रही है ना टेम्पटिंग? सेवई, खीर, पुडिंग सभी से बिल्कुल अलग, जो खाएगा बस खाता ही रह जाएगा। और इसे आप तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और बहुत ही आसान तरीके से। अभी रमजान चल रहे हैं तो इफ्तार में आप इसे जरूर बनाएं। ये आपको भी पसंद आएगी और आपके मेहमानों को भी। और इसे बनाकर आप फ्रिज में 3-4 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो जरूर बनाइए आप इस सुपर टेस्टी सेवई डेजर्ट को। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।